बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखें। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ सैंडविच। ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप नाश्ते में भी और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का आलू लेके इसको ब्री क्रशर से क्रश कर लें, और एक छोटे साइज़ की प्याज लेके ऑमलेट की तरह से चॉप कर लें। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। चीज़ को हमने क्रश कर लिया। अगर आपको ये पसंद है तो हम इसको आपको सिखा देंगे। और ये दो तीन अदद हरी मिर्चें हमने ब्रीफली काट ली हैं। चार अदर स्लाइस लिए, इनको साइडों से ब्रीक जो किनारी हैं, ब्राउन किनारी वो काट लिए हमने। वो हमने वेस्ट नहीं करने, उसके हम क्रम्स बना लेंगे। चलिए आइए अब हम तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक टेबलस्पून ऑयल का डाला है। उस ऑयल गर्म करके उसमें चोपी हुई प्याज डाल देनी है। प्याज को हल्का सा सोते कर लें, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर क्रश किए हुए आलू हमने शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। प्याज का पानी आलू का पानी खुशक हो जाएगा। इसमें हमने काली मिर्च शामिल की है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लें। अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए एक टेबलस्पून मैदे का शामिल करें। दो या तीन कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़े से अंडे की सफ़ेदी शामिल करें। दो टेबलस्पून अंडे की सफ़ेदी शामिल कर लें। फिर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसके अंदर दूध, दो या तीन टेबलस्पून दूध के शामिल करें, ताकि यह मेज़ा थोड़ा पतला हो जाए। अब ये स्लाइस लेके सारे पीसों पे अच्छी तरह लगा ले। एक ब्रेक पतली सी तय लगानी है दूसरे स्लाइस पे भी। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह सारी स्लाइस पे डाल दें। मोज़रेला चीज़ ज़रा ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब दोनों स्लाइसों को आपस में जोड़ दें, अच्छी तरह दबा लें, और फिर बड़ी तिकोने स्लाइस काट लें। वो अपनी पसंद के मुताबिक भी काट सकते हैं, मैंने तिकोने काटे हैं। डंडे लेके काली मिर्च और नमक शामिल करें उसमें। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और ये स्लाइस सैंडविच इसमें डिप करके तो उसको शैलो फ्राई कर लें। हल्की आंच पे फ्राई करने हैं, अच्छा सा कलर आ जाए। हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है। ये साइडों से भी काट लें, क्योंकि अंडा लगा हुआ है तो कच्चा अंडा फिर मुंह में आएगा तो बुरा टेस्ट लगेगा। अब ये देख लीला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो चीज सैंडविच रेडी हो गए हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे और खाने में भी बहुत यम्मी हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।